जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व संध्या पर आप सब लोगों को भारत को गणतंत्र हुए आज लगभग भारत अपने अमृत महोत्सव में मना रहा है, तो आज़ादी और गणतंत्र ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। इस दिन भारत पूर्ण तरह से आज़ाद हुआ था, यानी हम सॉवरेन स्टेट बन गए थे। हिंदुस्तान आज रिपब्लिक कंट्री बना था, ठीक है। तो 26 जनवरी के रूप में हम इसको मनाते हैं, ठीक है। आज क्लास आपकी 37 नंबर की क्लास 5 के पंच में हम यहाँ तक पहुँच गए, एक से लेकर अभी तक यहाँ पर। और सफ़र हमारा अब आ चुका है 2016 फर्स्ट अटेम्प्ट। जी हाँ, हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो 2016 का 2016 का, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ठीक है। पांच के पंच में 5 क्वेश्चंस और सेट आपके बीच में जो है फर्स्ट नंबर का है। कौन सा नंबर का है? फर्स्ट नंबर का सेट है आपके बीच में, ठीक है। चलो देखते हैं, 121 नंबर पर क्वेश्चन है और आपको यह देखने को मिलेगा इस पूरे 2016 में पॉलिटी के कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कई बार हिंदी में बच्चे ऐसा समझते हैं कि पॉलिटी के कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2016 का पेपर आप उठाएंगे तो उसमें पॉलिटी के करीब जो 10 12 15 क्वेश्चन मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट कंटेन नॉट करेक्टली मेज। आपको अनुसूचियां आपने जरूर पढ़ी होगी, 12 अनुसूचियां हैं, तो यहां पेयर दे रखा है कि भाई शेड्यूल है और इसमें कंटेन है, तो उसमें पूछा नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर सही नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। तो आपको सही देखना है इसमें, देखो एट्थ शेड्यूल में आप पढ़ते लैंग्वेज बिल्कुल है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है, तो ये तो सही मिला हुआ है। दूसरा, सेकेंड शेड्यूल द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। देखो दूसरी अनुसूची में अगर आप देखोगे तो वहां शपथ प्रतिज्ञा नहीं है, दूसरी अनुसूची में अगर आप देखोगे तो सैलरी और अलाउंसेज है। क्या है बच्चों? सैलरी अलाउंसेज यानी वेतन भत्तों का प्रावधान है, याद रखना। ये बहुत बारीकी से कई बच्चे इसको यही समझते हैं। शपथ जो हो तो अफर्मेशन है वो थर्ड शेड्यूल में आता है, तो कौन सा करेक्टली मेज नहीं हो रहा है यहाँ पे? बी नंबर का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी आ जाएगा। फोर्थ में वही एलोकेशन सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, और टेंथ शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको डिसक्वालिफिकेशन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कहते हैं, ये सही है, ठीक है। लेकिन सेकेंड शेड्यूल है बच्चों ये सिमिलर नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे रोंग पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122 नंबर पर है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको यह स्टेटमेंट कंसिडर करना है कौन सा सही है गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट एंड टू अल्टर द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन सिंपल मेजोरिटी। कि भारत का संविधान संसद को साधारण बहुमत से कोई भी संकल्प पारित कर नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, सिंपल मेजोरिटी से करते हैं हम इसको, है ना। नाम इस किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य का फॉर्मेशन करना, उसकी बाउंड्री सीमा रेखा चेंज करना, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से होता है। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल 2016 तक तो था ना स्पेशल स्टेटस, तो उस हिसाब से सही जाएगा। अगर आप पूछ लिए तो अब ये आंसर गलत हो जाएगा, अब स्पेशल स्टेटस हटा दिया, लेकिन 2016 में था क्योंकि हटाया तो हमने कब, 2019 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया आपका सी हो जाएगा, यानी दोनों ही आंसर जो है करेक्ट है बच्चों, दोनों ही आंसर क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर जाएंगे हम, 123 पे देखेंगे क्या पूछा है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय द राइटिंग एड्रेस टू द, लोकसभा अध्यक्ष किसको संबोधित कर अपना त्याग पत्र देगा, याद रखना किसको अपना इस्तीफा देता है लोकसभा अध्यक्ष। देखो बच्चों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, प्राइम मिनिस्टर को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष महोदय को देता है, याद रखना। डिप्टी स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष को देगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा डिप्टी को देता है, ये नियम आपको याद रखना है ना, ऐसा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is the founder of बचपन बचाओ आंदोलन। अब ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, उसका कारण था क्योंकि इनमें से जो ऑप्शन है उस व्यक्ति को 2016 में
नोबल पुरस्कार मिला था, नोबल अवार्ड मिला था, 2014 में मिला था नोबल अवार्ड। तो क्वेश्चन पूछ लिया गया, इनमें से कौन बचपन बचा आंदोलन चलाते हैं? तो शांता सिंह है, कैलाश सत्यार्थी है, अरुणा रॉय है और अनिल अग्रवाल है। जी हाँ, तो याद रखना इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में मलाला यूसुफजई के खिलाफ शांति का नोबल पुरस्कार मिला था। याद रखना, भारत के बचपन बचाओ अभियान चलाते, छोटे बच्चों को जो कई कारखानों में इनमें जॉब करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का ये काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आज के पांच के पंच का अंतिम क्वेश्चन, 125 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग द फीचर प्रधानमंत्री जनधन योजना? जी हाँ, 2016 में प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या सही है? इंश्योरिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पुअर, निर्धनों के लिए वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करना, इसका नहीं वो था क्या फीचर्स? इनहेंसिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना था। प्रोविजन फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू अकाउंट होल्डर्स, जो खाता धारकों के लिए दुर्घटना बीमा का प्रावधान था इसमें। अलाउिंग बैंक अकाउंट विद द जीरो बैलेंस, शून्य शेष के साथ बैंक खातों की अनुमति। बिल्कुल, ये चारों ही ऑप्शन सही जाएंगे। बच्चे क्या जाएंगे, 1, 2, 3, 4। जो जनधन योजना का, जो याद रखना प्रधानमंत्री जो जनधन योजना थी जिसमें गरीब लोगों को सरकार अकाउंट खुलवा रही थी, याद रखना, वो फिर बाद में डिमोनेटाइजेशन के समय में बहुत काम आया। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था और किया प्रधानमंत्री जी ने, सभी लोगों के अकाउंट खुलवाए। इसका यही था कि उनको हर चीज में सुविधाएं मिले, गरीब लोगों, इससे लिटरेसी बढ़ेगी, लोग बैंक तक पहुंचेंगे और ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। ठीक है, जीरो बैलेंस पर ये खाता खोलने के प्रावधान था और उनका इंश्योरेंस भी इसमें कवर था। तो इसका ऑप्शन चारों ही जाएंगे। तो 37 पांच के पंच में पांच क्वेश्चन हमने रखे, आपने पॉलिटी के क्वेश्चन देखे, इसमें उस जमाने का करंट अफेयर का, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, ये उस जमाने करंट अफेयर का क्वेश्चन, ऐसे भी आपके क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।